नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इमित्रा सॉल्यूशन पर और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों, कल की तारीख में इमित्रा के ऊपर एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा गया है कि NFSA के पात्र जो परिवार हैं उनकी KYC आपको कंप्लीट करनी है। यानी दोस्तों, सरकार ने अभी एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें बताया गया था कि जो NFSA के पात्र परिवार हैं उनका नाम है जो NFSA में जोड़ा जाएगा। यानी NFSA बंद हुआ था उससे पहले बहुत सारे इमित्रा वालों ने NFSA में फॉर्म भर दिए थे और उनको अपलोड कर दिया था। इसके बाद में NFSA की जो सर्विस थी वो बंद कर दी गई, लेकिन अब जो पेंडिंग फॉर्म है तो उन पेंडिंग फॉर्मों को अप्रूवल भी दिया जाएगा और उनको रिजेक्ट भी किया जाएगा। तो दोस्तों, जो NFSA में नए नाम जुड़ेंगे तो उनकी KYC कंप्लीट आपको करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, जिनका जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपको उनका जन आधार कार्ड भी बनाना होगा। इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है लेकिन उनका आधार कार्ड उनके साथ में सीडिंग नहीं है। तो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति राशन लाने के लिए डीलर के पास में जाएगा तो डीलर वाला इमित्रा वालों के पास में उनको भेजेगा KYC कंप्लीट करवाने के लिए। तो दोस्तों, जब भी कोई कस्टमर आपके पास में आएगा तो आपको उनकी KYC कंप्लीट करनी होगी, यानी सीडिंग करनी होगी। तो किस प्रकार से आप उनकी KYC कंप्लीट करोगे और किस प्रकार से आप जन आधार कार्ड में उनका नाम जोड़ोगे, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। दोस्तों, इसके लिए हमें चलना होगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वहीं मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आप नए जो NFSA में जुड़े हुए नाम हैं उनकी KYC कंप्लीट किस प्रकार से करोगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सारी प्रक्रिया हम वहीं पर जानते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहां स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में आपको अपना इमित्रा है जो लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, यहां आने के बाद में आपको सर्विसेज में टाइप करना होगा सीडिंग। जैसे ही आप सीडिंग यहां पर टाइप करोगे तो दो सर्विस आपके सामने आएगी, एक आएगी जन आधार एनरोलमेंट सीडिंग और एक आएगी राशन कार्ड आधार सीडिंग। तो आपको दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहां जन आधार सीडिंग वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में दोस्तों, आपको यहां ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यह आपको जन आधार कार्ड के पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम जन आधार कार्ड के पोर्टल के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक एनरोलमेंट का और एक सीडिंग का। तो आपको सीडिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सीडिंग पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर दो ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहले ऑप्शन है सीडिंग टू पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में फिर से आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पहला है सीडिंग का और दूसरा है SECC सीडिंग का। यानी 2011 की जनगणना में जिनका नाम शामिल है उनका आप सीडिंग SECC वाले में कर सकते हो। तो और जिनका राशन कार्ड में आपको सीडिंग करना है तो आपको पहला सीडिंग बटन सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद में दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों, आपको राशन कार्ड नंबर है वो डाल देना है। इसके बाद में आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कोई भी राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डालोगे तो जिनका पहले से सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वहां पर ये लिखा हुआ आएगा, आधार ऑफ ऑल मेंबर्स ऑलरेडी सीडेड इन राशन डेटाबेस। जिनका आधार सभी के साथ में सीडिंग हो चुका है तो उनका इस प्रकार से आएगा, और जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ होगा, कोई एक सदस्य बच गया होगा, तो वहां पर वो यहां पर सफेद कलर में दिखाएगा। इसके बाद में जिनका आधार सीडिंग पहले से हो चुका है उनका यहां पर ग्रीन कलर में नाम आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर व्हाइट में नाम आए उसका आपको सेलेक्ट करना होगा और उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर लगाना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो उस व्यक्ति का जो आधार नंबर है वो राशन कार्ड में सीड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी की जो यहाँ पर सीडिंग है वो कर सकते हो। जिनका नया राशन कार्ड बन रहा है NFSA में तो उनकी सभी की सीडिंग आपको इसी प्रकार से करनी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी की KYC कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो वीडियो को लाइक भी कर देते हैं और इसी के साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल के आइकन को नहीं दबाते, तो जिसके कारण उनको नोटिफिकेशन है जो मेरे वीडियोज के नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो बेल का आइकन आता है उसको जरूर प्रेस कर देना है ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।